राज्य के पक्ष विपक्ष के 26 विधायक पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा दिए गए मंत्र से प्रभावित है। हम आपको बता दें कि बीते दो दिनों से प्रदेश विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठाने की अध्यक्षता में 23 विधायकों सहित 3 उन विधायकों की कार्यप्रणाली से प्रशिक्षित किया जा रहा है जो इससे पहले ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाए थे। इस कार्यशाला का मकसद यही है कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए किस प्रकार अपनी बात को सदन में रखे तथा उन्हें मनवाने का प्रयास करे। इस कार्यशाला के दौरान विधायकों को विधानसभा के नियम, जिसमें प्रश्नकाल से लेकर अन्य नियमों के तहत करना निर्धारित है, इनकी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। इस समय विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सभी विधायक अपने आप में परिपक्व होते हैं। जो विधायक बन जाता है, चुनाव लड़ लेता है, 1,00,000 लोगों का प्रतिनिधि बन जाता है, तो हर तरह से परिपक्व होता है। लेकिन विधानसभा की सारी कार्रवाई नियमों के अनुरूप होती है, कानून के मुताबिक होती है, संविधान के अनुच्छेदों के मुताबिक होती है। और हर चुने हुए जो हमारे माननीय सदस्य हैं, उनको समय अवधि के अंदर अपनी सारी बात रख कर जो है सारे विषयों का समाधान करवाना है। इसीलिए उस दृष्टि से जो नए चुने हुए जो हमारे माननीय सदस्य थे, वो जो विधानसभा के अंदर जो नियमावली है, किस प्रकार की व्यवस्था अंदर होती है, कैसे जो है कामकाज करने की रूपरेखा है, उससे वो अवगत कराए जाएं। जो उनके चुनाव क्षेत्र के विषय हैं, उनको किस प्रकार से रखना है, और चुनाव क्षेत्र के विषयों के अलावा प्रदेश के विषय हैं जिसके ऊपर हर विधायक को जानकारी होना, प्रदेश की जो आर्थिकी है उसके बारे में जानकारी होना, प्रदेश की क्या आवश्यकताएं जरूरतें हैं उसकी जानकारी होना, और किस प्रकार से दृष्टिकोण जो है जिसको जिम्मेवारी मिली है, जिस दल को मिली है, उसको निभाना है और उनका अपना क्या दायित्व है, इन सब विषयों की जानकारी देने के लिए जो है ये दो दिन की कार्यशाला यहाँ हुई है। और इसके समापन पर आज हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी और हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री, उद्योग मंत्री, आयुष मंत्री माननीय श्री हर्षवर्धन चौहान जी विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हुए। मैं इन दोनों का भी बहुत आभारी हूँ और सभी उन नए नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने समय निकालकर इस कार्यशाला में अपनी उपस्थिति दी। और ये कार्यशाला जो है पार्लियामेंट्री रिसर्च स्टडीज के माध्यम से आयोजन हुआ, उसके एक्सपर्ट यहाँ आए थे, उनकी डेलिब्रेशन हुई, उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ, जहाँ जानकारियाँ अतिरिक्त चाहिए थी वो मिली हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सभी मान्य सदस्य इससे उनको लाभ मिला होगा। और इस